हे गाइस, तो क्या चाल हो रहे भाइयों। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं बेटर माइनक्राफ्ट। तो आप लोग को याद होगा पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एक नया दोस्त बनाया था जो कि है भाई एक जंगली शेर। और जंगली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक मैंने उसको टेम नहीं किया है, मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार उसको टेम कैसे करना है। और जब तक मैं उसको खाना खिलाता हूँ तब तक तो वो भाई मेरे लिए किसी पे भी अटैक कर सकता है, आयरन गोलम पे भी, चाहे उससे मर क्यों ना जाए, वो भी सिर्फ 9 मिनट के लिए। तो अभी फटाफट से चल के पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, और अभी वो मेरे ऊपर अटैक भी कर सकता है क्योंकि कल से मैं उसको भाई देखने ही नहीं गया हूं और मैंने उसको खाना भी नहीं खिलाया। बाकी मैं जब यार इस वाले विलेज में अपने टाइगर को लेकर आया था तो भाई टाइगर ने सीधे विलेजर्स को मारना स्टार्ट कर दिया, उसने काफी ज्यादा विलेजर्स गार्ड को भी मारा था, इसी वजह से आयरन गोलम उसके पीछे ही पड़ गया था। और एक सेकंड रुको, ये कहां जा रहा है? एक मिनट, इसने टाइगर की आवाज तो नहीं सुन ली? अगर ये लोग पहुंच गए ना तो भाई मेरा टाइगर इन सबको खत्म कर देगा, उसके बाद आयरन गोलम उसको मार भी सकता है, तो मेरे को उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा और मैं इनसे भी नहीं लड़ सकता क्योंकि अभी तक मेरे पास आयरन नहीं। और हाँ, मैं आप लोग को दिखा दूं, ऑफलाइन जाके मैंने काफी ज्यादा माइनिंग करी थी एंड मेरे पास काफी ज्यादा रॉ आयरन हो गया था, तो यहाँ पे आयरन इंगेट देख सकते हो, मैं इन सबको भी ले लेता हूँ। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि यार आयरन का कम से कम लोग अपना यार आर्मर वगैरह बना लें क्योंकि उसकी यार कभी भी जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले अपने टाइगर के पास चलते हैं और ये रहा अपना जंगली शेर, देख रहे हो कितना ज्यादा प्यारा सा लग रहा है। और ये भाई प्यारा ही नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक भी है। अभी मैं अगर इसके पास गया ना तो भाई मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, मेरे को खत्म कर सकता है उसके। अरे भाई 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 भाई, इधर माता इधर माता इधर आवा, ये ले ले खाना खा ले, मैं इसको अभी खाना खिला देता हूँ। ओके, इसने खाया नहीं। अबे चिकन खाना पसंद नहीं है क्या इसको? अबे इसके लिए मैंने इतनी सारी चिकन को मारा और ये चिकन ही नहीं खा रहा। भाई ये तो बहुत बड़ी बहुत गलत चीज है यार, चिकन तो तेरे को खाना चाहिए यार। ओके, खा तो रहेगा इस पर, ये मतलब कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा है, टेम नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि यार इसको कुछ और खाना है, मतलब इसका मन नहीं हो रहा चिकन खाने का, तो मुझे कुछ और लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पे एक रॉ बिग वर्ड करके है, मतलब बिग वर्ड मतलब बड़ी वाली चिड़िया, इसको बड़ी वाली चिड़िया काफी पसंद है, तो मेरे को उसको ढूंढ के लाना होगा। और मैं अपने लिए भी यार देखो खाना वाना थोड़ा सा इकट्ठा कर लेता हूँ, बस 5 कुक चिकन है तो मेरा उससे काम चल जाएगा, पर यार फिर भी मेरे को खाना थोड़ा सा चाहिए और ज्यादा। ओके, तो आयरन यहाँ पे और ज्यादा हो गया है, तो एक सेकेंड रुको, पूरा का पूरा आयरन का एक सूट बना ही लो क्योंकि यार देखो मेरे को ना कोई अटैक मेरे ऊपर कर ही सकता है। ओके, आर्मर बन गया है, हेलमेट बन गया, सारी चीजें मैंने बना ली। अभी इसको फेंक दो, मास्टर सेफ वाले कपड़े पहन रखे थे, अभी मेरे पास फुल एक आयरन का आर्मर हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो टाइगर टेम हो चुका है फाइनली। भाई टाइगर ने, मुझे नहीं पता मेरे सामने सर मारा होगा, उसने खाना खाया ही नहीं और अभी जाके भाई उसने खाना खा लिया है, तो फाइनली 9 मिनट के लिए भाई टाइगर टेम हो चुका है। 9 मिनट तक भाई ये किसी को भी खत्म कर देगा, मतलब मैंने अगर किसी को मारा। ओके, एक सेकेंड रुको, मेरे पास सैडल है ना, सैडल ट्राई करूँ क्या? मैंने देखा था यार काफी सारे लोग ना टाइगर को भी टेम कर लेते हैं और उसके बैठ कर भाई उस पर सवारी करते हैं, तो अगर ऐसा मेरे साथ हो जाता है ना भाई बिल्कुल मजा आ जाएगा, फिर तो घोड़ा वोड़ा मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे पास टाइगर से ही काम चल जाएगा। मेरे को सैडल है क्या? मेरे पास सैडल थी तो यार। ओके, लीड तो मेरे पास दो दो हो गई है, एक लीड मेरे को गिलिस से मिली थी। और एक सेकंड रुको, यहाँ पे मेरे पास एक बैकपैक भी है, तो बैकपैक के अंदर चेक। ओके, इसके अंदर कुछ भी काम करनी है, बैकपैक को तो मैं उठा के रख देता हूँ। यार सैडल मैंने कहीं तो रखा है, एक मिनट रुको चेक करने दो। ओके, तो शेड, ओके ये रहा सैडल, तो फटाफट से चलते हैं। अगर उसने सैडल पहन लिया तो अभी अपना काम हो जाएगा। और यार आज मेरे को ना काफ़ी सारा काम करना है, पर उससे पहले मेरे को खाना वाना इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि खाने की मेरे को बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही है। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके अपने टाइगर के पास और अभी हमारा टाइगर यहाँ पे देख रहे हो कितनी ज्यादा आराम से सो रहा है। इसको देखते कोई कह सकता है कि ये खतरनाक वाला टाइगर है, एकदम देख रहे हो प्यारा सा लग रहा है, क्यूट सा, पर भाई एक बार ये खड़ा हो जाता है ना उसके बाद किसी को भी मार सकता है। और मैं यार इस पे सैडल नहीं लगा पा रहा हूं, मुझे नहीं पता कि इस पे सैडल कैसे लगाते हैं। अगर आप लोग को भाई पता है तो मुझे कॉमेंट करके यार जरूर बताना। और हाँ, अगर आप लोग को बेटर माइनक्राफ्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी हम लोग एक काम करते हैं, बट से चलते हैं क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा खाना चाहिए, मेरे पास बार बार ना खाना खत्म हो जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूं यार सबसे पहले ना हम लोग खाना इकट्ठा कर लेते हैं। सो गाइस, अभी मैंने बहुत सारा खाना इकट्ठा कर लिया और अचानक से यहाँ का वेदर चेंज हो चुका है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे मॉब्स आ चुके हैं। एक सेकंड रुको, ब्लड मून की रात हो गई है भाई, अभी मेरे को भागना होगा क्योंकि मुझे पता है कि यार ब्लड मून की रात में मॉन्स्टर की बारिश होती है और हम लोग अभी सो भी नहीं सकते हैं, तो मेरे को फटाफट से विलेज जाना होगा क्योंकि अगर मैं जंगल की तरफ घूमता रहा तो भाई मेरा बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। भाई निकलो 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 निकलो, मेरे को भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा भागना पड़ेगा, और मेरे पास खाने की भी भाई कमी है, तो आयरन गोलम के मैं आसपास ही रहने वाला हूं और आज मैं ना सोने का ट्राई करता हूं। वैसे मुझे पता है कि हम लोग सो नहीं सकते बट फिर भी मैं एक बार ट्राई करता हूं। ओके, तो मैं यहां पे नहीं सो पा रहा गाइस, ये तुम लोग यहां पे देख सकते हो, मैं सो नहीं सकता भाई। और विलेजर भी भाई घर के अंदर आ रहे हैं, तुम लोग देख सकते हो ब्लड मून की रात हो चुकी है भाई और मॉन्स्टर तुम लोग देखो
कितने ज्यादा आ रहे वहां पे, तुम लोग देखो भाई बारिश हो रही है मॉन्स्टर्स की। तो अभी मुझे अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इनकी हेल्प करनी होगी, क्योंकि अगर मैंने इन लोग की हेल्प नहीं करी तो ये लोग खत्म भी हो सकते हैं। वो देखो चारों तरफ से मॉन्स्टर्स आ रहे हैं भाई, चारों तरफ से। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी मैं इन लोग की हेल्प करने वाला हूँ, जितनी ज्यादा मैं इन लोग की हेल्प कर सकता हूँ। और वो देखो, हाँ आजा आजा आजा, मुंह पे मार ले मेरे आके, हाँ आजा। अभी ये लोग स्केलेटन को क्यों नहीं मार रहे, मुझे लगता है ना कि ये लोग सिर्फ उस बंदे को मारते हैं जो पास रहता है। एंड यहाँ से मेरे को आयरन का मतलब थोड़ा बहुत सामान मिल सकता है, आयरन की मेरे को तलवार मिल गई। और अभी दो भाई बहुत ही गंदा बचाने वाले हैं लोग, कहाँ से मारो 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 उसको मारो भाई, कहाँ कहाँ से आ रहे एक मिनट को, तुम्हारी तो ऐसे की तैसी भाई। भागो यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। वो तो अच्छा है कि भाई देख रहे हो ब्लड मून की रात में खतरनाक वाले मॉन्स्टर निकल के नहीं आ रहे हैं, अगर वो लोग आ जाते ना तो भाई क्या ही होता। और तुम लोग वहाँ पे देख रहे हो इंचार्टेड भाई वो लेकर घूम रहे हैं, पर टाइगर कहाँ चला गया, ये रहा टाइगर। तो टाइगर के पास अभी मैं जा सकता हूँ, टाइगर मेरे को प्रोटेक्ट कर लेगा, पर वो विलेज में आ जाएगा तो मैं विलेज नहीं जाने वाला। उधर चल के देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। सो गाइस पूरे के पूरे विलेज में भाई मॉन्स्टर भरे पड़े, और विच की तो बारिश हो रही, मेरे को यहाँ से निकलना होगा। विच भाई अपना पोशन फेंक रही है, निकलो 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 निकलो। वो देख रहे हो भाई अभी अपना पोशन उसने अपने ही सर पे मार लिया। ओ भाई इंचार्टेड ज़ॉम्बी, ये कौन सा ज़ॉम्बी है भाई। एक मिनट रुको भाई, इसने मेरे को कोई पोशन दे दिया भाई, इसने पोशन ही इफेक्ट दे दिया यार, पोशन दे दिया बोल रहा हूँ। अभी मेरे को यहाँ से निकलना होगा भाई, मेरे को भागना होगा ऐसे, भागो 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 भागो, चारों तरफ से आ रहे, मैं मर वर ना आ जाओ भाई। आयरन गोलम यार तू क्या कर रहा है भाई, बाहर निकल के बचा मैं भाई, मेरे को छुपना होगा गाइस, मुझे लगता है कि मुझे कवर बना के छुपना होगा। वो देखो भाई आयरन गोलम जा जा, मार उसको मार उसको। ओके तो गाइस मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ गाइस, मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ। आयरन गोलम भी मरने वाला है, दोनों मरने वाले हैं, हम दोनों मरने वाले। एक सेकंड रुको, मेरे को यहाँ से निकलना होगा, निकलना होगा भाई, विच आगे आ रही है, मेरे को यहाँ से निकलना होगा। तो गाइस अभी मॉन्स्टर ने भाई विलेज पे ऐसे ढाबा बोल रखा है ना, हर तरफ से आने में लगे पड़े हैं भाई, देख रहे हो हर एक मॉन्स्टर, अलग अलग तरीके के मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, और ये विलेजर गार्ड भी पता नहीं कहाँ से भर भर के आ रहे हैं। ये देखो तेरी तो ऐसे, तू यहाँ क्या कर रहा है। ओ भाई क्रीपर, मतलब देख रहे हो यार विलेजर्स ना क्रीपर को नहीं मारते, इनको क्रीपर को भी मारना चाहिए। एक मिनट को, ये सारे के सारे यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको ना विच परेशान कर रही है, तो विच को मेरे को मारना होगा। विच कहाँ पे है, एक मिनट रुको, विच कहीं ना कहीं से। ओ तेरी तो भाई कितना गंदा मारा मेरे को, एक मिनट रुको, ये रहा यहाँ पे हुई मेरी डेड बॉडी। एक सेकंड भाई, इससे मेरे को सारा सामान ट्रांसफर करना पड़ेगा, भागो भागो भागो, मेरे को अंदर रहना होगा भाई, अभी मैं बाहर नहीं जा सकता, मेरी बहुत ही गंदी वाली मौत हुई है। ओके तो मैंने अभी पूरा का पूरा आर्मर पहन लिया, तो मैं खाना यहाँ पे रखता हूँ, एंड मेरी शील्ड कहाँ गई। ओके ये रही शील्ड, बहुत है इसको, इस वाले हाथ में लो। अब चलो बेटा बाहर, कहाँ था, ये रहा देखो तेरी, निकल निकल यहाँ से, निकल यहाँ से भाई। एक तीर मारा उसने, एक तीर मेरे को ख़त्म कर दो। और मेरे पास आयरन है ना, कि ये रहा मेरे पास आयरन, आयरन कहाँ गया भाई आयरन, ये रहा आयरन, आयरन नीचे आ जा, नीचे आ जा, नीचे आ जा, मैं इसको फटाफट से रिपेयर कर देता हूँ भाई। इनको रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये रात भर आने वाले हैं, पूरी रात हम लोग सो नहीं सकते, पूरी रात हम लोग को इनसे फाइट लेनी होगी भाई, अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना होगा। कहाँ कहाँ से आ रहे भाई विलेजर गार्ड, देख रहे हो तेरी भाई, ये यहाँ पे कौन सी फाइट चल रही है गाइस, देख रहे हो विलेजर गार्ड भरे पड़े हैं भाई यहाँ पे। तो गाइस अभी मैं भी विलेजर्स की हेल्प करने भाई पानी के अंदर चला गया था, और पता नहीं कहीं से भाई इंचार्टेड, देख रहे हो चार्ज क्रीपर आ गया, इंचार्टेड नहीं है ये, चार्ज क्रीपर है। ओ तेरी, इसके मुंह पे आ गया, फट जा फट जा फट जा। ओ भाई बहुत से फट गया फट गया फट गया, मेरे को यहाँ से निकलना होगा भाई, सुबह कब होगी मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये देखो भाई पूरा का पूरा मून रेड कलर का हो गया है, जैसे कि भाई खून आ रखा हो। और अभी मेरे को पानी से बाहर रहना होगा, और तुम लोग यहाँ पे देख रहे हो कितने ज़्यादा यहाँ पे विलेजर गार्ड थे, और अभी कितने कम हो गए। यहाँ पे क्या चीज़ है भाई, ये कौन सा मॉन्स्टर है मुझे नहीं पता, मेरे को ऐसे निकलना होगा। एंड ये नीचे ही नीचे कहाँ पे ख़त्म हो जा रहे हैं, पक्का नीचे से कोई ना कोई तो इन लोगों को मार रहा है, मेरे को यहाँ से निकलना चाहिए, यहाँ पे तो ये लोग निपट लेंगे, हम लोग दूसरी वाली साइड चलते हैं। तो गाइस इस साइड के सारे विलेजर गार्ड भाई मर चुके हैं, क्योंकि जो मॉब्स है वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे आ रहे हैं। तुम लोग ज़ॉम्बी की तादाद देख रहे हो, कितनी ज़्यादा तादाद हो गई। और ये देखो स्केलेटन भाई रॉकेट की तरह भागते भागते, एक सेकंड रुको, इन दोनों को आपस में अगर इनकी फाइट हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा, बट मेरे को यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इतने सारे अगर अटैक करेंगे ना तो मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ पे टपक जाऊँ। ओ भाई देख रहे हो निशाना क्या इनका खतरनाक ही हो रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ दोनों आ जाओ। अगर मेरे पास भाई इंचार्टेड सामान आ जाता ना, बहुत गंदी बैंड बजाता मैं लोगों की, पर अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। ओके बहुत सी मार 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 इसके लग जाएगा ना, एक भी अगर इसके लग गया, ओके बहुत से ये तो टपक गया, ऐसे ही करके मैं सबको मार देता हूँ। सो गाइस अभी मुझे लगता है कि यार विलेज के अंदर काफ़ी ज़्यादा शांति हो चुकी है, एंड यहाँ पे देख रहे हो मून धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मतलब सुबह होने वाली है।
पर विलेज के अंदर काफी ज्यादा तो भाई मच गया, चारों तरफ जितने भी विलेजर गार्ड थे आधे से ज्यादा खत्म हो चुके हैं। एंड जितने भी बचे यार मेरे को उनको बचाना होगा, क्योंकि यार देखो विलेज में रहने के नाते मेरा भी भाई फर्ज बनता है। और तुम लोग यहाँ पे देखो भाई ऊपर से लोग अटैक कर रहे, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी भाई हमारे विलेजर गार्ड को मारोगे। और वैसे सुबह होने वाली है तो अभी भाई ब्लड मून की रात खत्म हो जाएगी और विलेज पे जो खतरा है वो भी टल जाएगा। और एक मिनट रुको, पानी, ओ तेरी भाई ये पानी के अंदर है। और आयरन गोलम इनको मारने के लिए देख रहा हूँ कहाँ पानी के अंदर चला गया, मतलब ये लोग ऊपर से आ रहे हैं और डायरेक्ट पानी के अंदर चले जा रहे हैं, पर देखो इनको मार नहीं पा रहे। तुम्हारी तो ऐसे की तैसे, मैं नीचे जाऊँगा इन लोग को मारने, पर मुझे लगता है कि यार बेकार ही है नीचे जाना, कोई फायदा नहीं रहेगा। एंड यहाँ पे आइस कैसे आया, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग बाद में आइस को देख लेंगे। एंड यहाँ देखो एक स्केलेटन यहाँ खड़ा, और इसके स्केलेटन भी ना मतलब यहाँ के स्केलेटन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भाई। देख लो एक एक मतलब अटैक में कितना ज़्यादा डैमेज दे दे रहा है। तो पहले मैं एक बार ना विलेज पर नज़र डाल लेता हूँ कि भाई कितने विलेजर बचे हैं कितने नहीं बचे हैं। और ब्लड मून की रात अभी जैसे भी आएगी मैं एक काम करूँगा ना, पूरे के पूरे विलेज को प्रोटेक्ट करूँगा। एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ब्लड मून की रात खत्म हो चुकी है, मतलब हम लोगों ने पूरी रात सर्वाइव कर लिया मॉन्स्टर से। वैसे मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा थे और जो जितने भी बचे हुए हैं मैं पहले उनको भी ख़त्म कर देता हूँ। और देख रहे हो भाई दिन में कैसे खड़ा है, दिन में तो यार इसको मरना चाहिए था भाई, दिन में मर क्यों नहीं रही है स्केलेटन। और यहाँ पे स्केलेटन के कुछ ज्यादा ही हार्ट नहीं हो रहे हैं, देख रहे हो कुछ ज्यादा ही हार्ट हो रहे हैं इनके। इस मेरे पास जितना भी इंपॉर्टेंट सामान था और जितना भी मेरे पास सामान था सारे का सारा मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे काफी ज्यादा तो भाई मची थी, मतलब विलेज की तुम लोग हालत देख रहे हो। एंड एक विलेजर ये और बाकी दो चार ही विलेजर दिखाई दे रहे हैं, बाकी सारे के सारे विलेजर मुझे लगता है कि यार खत्म हो गए। नहीं नहीं विलेजर तो बहुत सारे हैं यार, मतलब ये अपने घरों के अंदर जाके छुप गए थे और विलेजर गार्ड भी जिंदा है यार। मतलब विलेज इतना बड़ा है कि यार चारों तरफ ये इधर उधर मतलब पहरा दे रहे होंगे, इसीलिए मेरे को दिखाई नहीं दे रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर हम लोगों ने यार विलेज को काफ़ी सही से प्रोटेक्ट कर लिया। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ दिनों के अंदर पूरे विलेज के चारों तरफ एक बाउंड्री टाइप बना दी जाए, ताकि जब भी नेक्स्ट ब्लड मून की रात होगी तो ये लोग अंदर नहीं आ पाएंगे, और अगर अंदर स्पॉन होते हैं तो हम लोग उनको आराम से मार देंगे। बट उसके लिए यार मेरे को अपना आर्मर वगैरह काफ़ी तगड़ा करना पड़ेगा, अपने टूल्स को भी इंचार्ज करना होगा, मतलब काफ़ी सारा काम करना है। पर उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यार जितना भी मेरे पास इंपॉर्टेंट सामान है उस सबको ना अंडरग्राउंड जाके रखूँ, तो पहले मेरे को कुछ चेस्ट बनानी पड़ेगी। काम करते पहले आयरन यहाँ से लो, खाने को कुक कर लो। एंड मेरे पास लॉग की कमी है ना, पहले लॉग काट लेते हैं। अरे यार लॉग यहीं पास में ही है, तो ये वाला पहले पेड़ काट लेते हैं और पहले ना काफ़ी सारी चेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि चेस्ट की मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके तो अभी हम लोग को 9 यहाँ पे लॉग मिल चुके हैं, फटाफट से हम लोग यहाँ पे पहले चेस्ट बनाते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं अंडरग्राउंड विलेज के अंदर। एंड वहाँ पे ना अपना सारे का सारा इंपॉर्टेंट सामान रखकर आने वाला। अभी चेस्ट कैसे बनेंगे, ओके तो यहाँ पे 4 चेस्ट बन चुके हैं, इतने से काम चल जाएगा। बाकी मेरे पास जितना भी सामान है इसके अंदर, बाकी जितना सामान है ना सारे का सारा ही लेकर चलते हैं यार। ऊपर मैं सिर्फ खाने का सामान रखूंगा, जितना इंपॉर्टेंट सामान है वो तो सारे का सारा मैं नीचे अंडरग्राउंड चेस्ट में रखूंगा, मतलब अंडरग्राउंड विलेज के अंदर रखूंगा। वहाँ पे मैं अपना एक छोटा सा बेस बना देता हूँ। वैसे तो मैं अपना खुद का यार देखो घर बनाने वाला हूँ, तो मैं घर का भी प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि यार देखो हम लोग नॉर्मल माइनक्राफ्ट की तरह नहीं, बेटर माइनक्राफ्ट की तरह एक बढ़िया सा घर बनाएंगे। तो यहाँ से नीचे चलो, नीचे चलो, ये तो मैंने यहाँ पे तोड़ दिया था। मैं सोच रहा हूँ कि यार यहीं पे रख देते हैं, ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक चेस्ट तो है एंड यहाँ पे भी जगह है, तो ये वाली जगह हमारे लिए ठीक रहेगी। मैं यहाँ पे अपनी चेस्ट रख देता हूँ एंड एक बेड भी ला कर मैं यहाँ पे रख दूंगा। एक चेस्ट यहाँ पे लगा दो, एक इसके ऊपर रख दो। तो जितना भी मेरे पास सामान है सारे का सारा यहाँ पे ट्रांसफर कर देता हूँ। तो गई सभी मैंने सारे का सारा सामान नीचे लाकर शिफ्ट कर दिया है। बाकी जितना भी यार देखो बार बार यूज होने वाला सामान होगा वो मैं ऊपर रख लूंगा, और जितना मेरा इंपॉर्टेंट सामान होगा जैसे आयरन हो गया या फिर जितनी भी मेरे को यूनिक चीज़ें मिलेंगी वो सारी की सारी मैं नीचे रखने वाला हूँ, जब तक मैं अपना एक बढ़िया सा घर नहीं बना लेता हूँ। और उसमें तो यार थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि यार देखो बेटर माइनक्राफ्ट के अंदर अगर मैं बेटर हाउस नहीं बनाऊंगा फिर मज़ा नहीं आने वाला। और बेटर हाउस बनाने के लिए मेरे को बहुत सारे ब्लॉक चाहिए, तो अभी मेरे पास ब्लॉक नहीं है, क्योंकि यार अभी हम लोग एडवेंचर पर जाएंगे और हो सकता है नई नई चीज़ें मिलें। तो पहले एक काम करते हैं खाना ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने खाना कुक कर लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा सामान है, यहाँ पे भी थोड़ा सामान है। और ये देख लो ये रॉ भी मैं रख लेता हूँ अपने टाइगर को खिलाने के लिए, पहले ना उसको खिला कर आ जाता हूँ ताकि 9 मिनट तक भाई वो मेरे को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि अभी मैं डेजर्ट में जाऊँगा और मैं सोच रहा हूँ कि उसे अपने साथ ही लेकर जाऊँ और मैं ना उसे पिलेजर के ऊपर छोड़ दूँ। ये देखो भाई कैसे, एक मिनट रुको ये गायब कहाँ हो गया भाई, ये गायब कैसे हो जाता है मुझे नहीं पता यार, ये इनविजिबल हो जाता है। देख रहे हो मिस्टर इंडी है क्या टाइगर, मतलब देख रहे हो गायब हो गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बाकी रात हो गई और मैं ना अभी तो जाकर सो जाता हूँ, क्योंकि ब्लड मून की रात को तो नहीं सो पा रहे थे, बट अभी तो हम लोग सो सकते हैं।
सो गाइस अभी सुबह हो चुकी है और जैसे ही मैं सुबह सोकर उठा, ये देख रहे हो विलेजर गार्ड मेरे मुंह के सामने ही खड़ा था और इसने एक बैग पहन रखा है। नहीं बैग नहीं है, इसके पास कौन सी जॉब है पता नहीं भाई, इसके पास कौन सी जॉब है। पहले ना मैं फार्मर को ढूंढ रहा हूँ, अगर मेरे को फार्मर मिल जाता है फार्मर से मैं भी ट्रेड करने वाला हूँ। मेरे पास एमरल्ड तो है, एमरल्ड से वो मेरे को क्या चीज़ देगा, मैं मतलब उनसे अभी ट्रेडिंग ही नहीं कर पाया हूँ। एंड जो गोब्लिन ट्रेडर था मेरे को वो भी नहीं मिल रहा। एक सेकंड, ये क्या करता है? ओके तो ये हम लोग को लॉक के बदले एमरल्ड देगा, तो ये वाले लॉक तो यार बहुत सारे हैं आसपास इधर वाले जंगल में, तो वो तो मुझे आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैं इनसे ट्रेडिंग करने वाला हूँ। वहाँ पे एक बंदा, नहीं नहीं वो तो यार विलेजर गार्ड है। तो यार फार्मर वगैरह मुझे नहीं पता कि यार कहाँ पे चले गए, सारे इधर ही घूम रहे थे। मेरे को गोब्लिन ट्रेडर अगर मिल जाए तो मैं उससे भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो गाइस अभी मैं अपने विलेज के आसपास घूम रहा हूँ और जो भी ब्लॉक मेरे को बढ़िया लग रहे हैं उन ब्लॉक्स को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत जल्द मैं यार अपने लिए एक घर बनाने वाला हूँ। मैं भाई विलेजर्स के घर में रह रहा हूँ या फिर खुले आसमान में रह रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना यार नेक्स्ट वीडियो में भाई घर बनाया जाए एंड उसके बाद हम लोग एडवेंचर पे निकलेंगे। और एक सेकेंड रुको, ये एमरल्ड कहाँ से आ गया? मेरे पास 16 एमरल्ड हो गया यार, ये चीज़ हुई ना बढ़िया। एंड ये वाले ब्लॉक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये पानी के ऊपर क्या कर रहे हैं? है तो ये लॉग पर ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये देख रहे हो भाई नाम भी इतना ज़्यादा अलग सा है, तो मैं इनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड टेराकोटा तो यहाँ पे भरा हुआ है, तो टेराकोटा भी मैंने ले लिया है। और जितने भी अलग तरीके के मेरे को ब्लॉक दिखेंगे मैं सारे के सारे ब्लॉक ले लूँगा। तो मुझे कमेंट करके बता रहे कि नेक्स्ट वीडियो में मेरे को एक बढ़िया सा घर बनाना चाहिए या फिर एडवेंचर पे जाएं, क्योंकि यार देखो अगर एडवेंचर पे जाते हैं तो नई चीज़ें मिलेंगी, बट घर बना लेते हैं तो यार अपना एक घर हो जाएगा। और अभी अपने पास घर नहीं है, तो वो तो रहा अपना जंगली टाइगर, तो मैं उसके पास तो अभी नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको मतलब खाना नहीं खिलाया तो मेरे ऊपर ही अटैक कर देगा। तो यहाँ से भी मैं काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक ले जाऊँगा। बाकी एक काम करते हैं, इस वाले डायरेक्शन में चलते हैं एंड जो भी मेरे को नए ब्लॉक मिलेंगे सारे के सारे ब्लॉक ले लूँगा। बाकी यार इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शुरू कर देना, कमेंट करके यार जरूर बताने कि आप लोग को बेटर माइनक्राफ्ट कैसा लग रहा है। बाकी मैं आप लोग इसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।